आए दिन देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं को चलते सारे भारत के लोगों में सरकार के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। वहीं लोग खुलकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी पठानकोट के सिंपल चौक में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और आरोपियों के पुतलों को भी जलाया गया। मौके पर परिषद ने आरोपियों को फांसी देने की सरकार से अपील की है। कश्मीर में अभी हुआ है 370 जो धारा है वो उतारी गई है, तो उससे पहले हमें ये रेपिस्ट के खिलाफ जो है कानून बनाने चाहिए, उनके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बच्चे कभी भी लड़कियां कहीं भी जाती हैं तो वहाँ पे सेफ फील नहीं करती है। घर वाले बोलते हैं कि बाहर मत जाओ क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। कब सेफ होगा? हर बार यही होता है कि कोई भी कोई रेप करके निकल जाता है। सरकारें यही करती रहती हैं कि हाँ सजा मिलेगी पर कभी मिलती नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। तो सर उनको भी वैसे ही जलाना चाहिए क्योंकि फांसी की सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए। बाकी क्रिमिनल्स जो हैं उनको भी सेम सज़ा मिलेगी, तो उनकी इसमें कितनी बेइज्जती है कि हमें भी वो ही सज़ा मिल रही है जो इतनी बड़े किसी को मिल रही है, जो इतना बड़ा क्राइम करके भी उनको मिल रही है। तो उनके लिए ये सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको भी वैसे ही जैसे उन्होंने उसको जलाया उनको भी जलाना चाहिए। अज ABJP के कार्यकर्ता जोड़े आ पठानकोट सिंबल चौंक के इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, जो कि सानू सारे देश में पता है 27-28 तरीक हैदराबाद के जो कि मैटरनिटी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के नाल एक बड़ी शर्मनाक जी घटना हुई है। उन्होंने एक गलत उन्होंने करके बस डेडबॉडी में जला दिता गया। वो रोज के उपर अज इतने जोड़ा पठानकोट का जोड़ा यूथ है वो इकट्ठा होया कि एक बड़ी शर्मनाक उ जी हादसा होया कि भारत माँ की बेटी के नाल जो इस तरह का कुछ आए दिन असं सुनते हैं न्यूज़ के भी अच्छे इतने यह हो गया। एक बड़ा दिल में एक दर्द जहा हों कि इस देश के वड्डिया वड्डिया गल्लां कीती जांदियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चांद के उपर जाइए मंगल के उपर जाइए, लेकिन उस देश के महिला ही सुरक्षित नहीं है। झांसी राणी कल्पना चावला वर्गी जी वीरांगना इस देश के हुई हैं, लेकिन अब देखने वाली गल सोचने वाली गल है कि सरकार क्यों नहीं ये उपर कोई स्टैप लैंदी। आए दिन ऐसी घटना मिलती है, सरकार अगर असं यही मांग करते हैं कि जरा इस तरह की कोई भी अगर घटना होंगी है उनका सपोर्ट जरा वो अपराधी डैथ पेनल्टी दी जाए, फांसी सजा दी जाए, क्योंकि जी बाकी कंट्रीज है तुम देखो अरेबियन कंट्रीज है या चाइना, उत्थे इस तरह का अपराध जरा पिछले कई सालों तो नहीं होया। क्यों? क्योंकि वो देश जरा अवेयर है अपनी महिला की सेफ्टी में लैके, क्योंकि यूथ अज सड़कों के आ गया और कुछ लोग घर बैठे बैठे गल्लां करते हैं, सोशल मीडिया के पोस्टा पा रहे हैं, गल्लां करते हैं कि पुतले जलाना की होगा, मोमबत्तियां फड़ के की होगा, मोमबत्तियां जलाना की। मैं उन्होंने कहना चाहना कि तुहाडे घर बैठे की होगा, सड़कों आना पेगा। सरकार अगर नहीं सुनदियां, प्रशासन नहीं सुनता, यह यूथ में ही आना पेगा और देश का भविष्य जरा खतरे से इस वक्त महिला ही जितने सेफ्टी नहीं। अज एक रोड पर चलती लड़की अपने आप को असुरक्षित फील करती है। सो जिन्हें भी भरा साढ़े है देश के, मैं उन्होंने यही अपील करता है कि वह प्लीज़ रोड पर आन, सड़कों पर आन, जरूरत पेगी असं जरा धरना लावे, प्रदर्शन करा। असं पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।